धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों, मैं आज आप लोगों के सामने 2 अक्टूबर के दिन होने के कारण कि 2 अक्टूबर भारतवासी गांधी जयंती के नाम से कैलेंडर में, डायरी में आदि आदि गेजेटेड फेस्टिवलों में गांधी जयंती के नाम से देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और मनाते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य ही है, गांधी को तो लोग जान गए लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को भारतवासी नहीं जान पाए, विशेषकर हमारे युवा पीढ़ी तो जानते ही नहीं। गांधी जयंती के बजाय अगर लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाए तो भारतवासियों का जीवन कल्याणमय होता, क्योंकि दोनों के चरित्र में आसमान जमीन का अंतर है। गांधी का चरित्र देखेंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी का चरित्र देखेंगे, दोनों के चरित्र में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उदाहरण के रूप में मैं एक छोटा सा प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री अपने जीवन काल में जब वो पढ़ करके निकले और नौकरी में लगे, सरकारी नौकर थे, 50 रुपया वेतन भोगी। इत्तेफाक की बात है कि उनको वेतन में वृद्धि हुई, 50 से 55 हो गया। वो सारा पैसा ला करके अपने श्रीमती जी को पकड़ाते थे। घर चलाने का दायित्व तो माता जी का था और कुछ दिनों के बाद अचानक उन्हें 200 रुपया की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने अपने श्रीमती से कहा कि भाई कहीं से अगर 200 रुपया उधार ला करके दे सकती हो आप तो देखो, मेरा ये काम है, ये काम मेरा निकल जाएगा और फिर समय आने पर जब पैसा आ जाए तो उनको चुकता कर देंगे। तो उनकी श्रीमती जी ने कही कि शास्त्री जी, अगर 200 रुपया से आपका काम चलता है तो 200 रुपया मेरे पास है, आप इन पैसों से काम चलाइए। उन्होंने पूछा कि आपके पास 200 रुपया कहाँ से आए? तो उनकी श्रीमती ने कही, शास्त्री जी, आप तो पहले वेतन की 50 रुपया लाते थे और मैं उसी हिसाब से अपना घर चलाया करती थी, घर का खर्चा चलाया करती थी। जब से आप 50 के बजाय 55 लाकर देने लगे, जो 5 रुपया अतिरिक्त आया है, उन 5-5 रुपया को मैंने अलग रख दी और वो मैं जोड़ करके देखी कि आज वो 200 रुपया हो गए। अगर इन 200 से आपके काम चलते हैं तो काम चला लीजिए। शास्त्री जी अगला दिन अपने विभाग अध्यक्ष को जाकर के लिखा कि मेरी पत्नी 50 रुपया में घर का खर्चा चलाती है, मुझे जो 55 वेतन के दिए जा रहे हैं, 5 रुपया अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, ये 5 रुपया काट लिया जाए, सरकारी खजाने में जमा करें। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ विशेष करके भारतवासियों से कि भारतवासियों, ये चरित्र या ऐसा चरित्र कहीं पर भी भारत के राजनेताओं में देखना मुश्किल है। किसी राजनेता का इतना उज्ज्वल चरित्र नहीं है और ना हमारे राजनेता ऐसे उज्ज्वल चरित्र के हैं। पर दुर्भाग्य है, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तो हम नहीं मनाते। हम जन्मदिन मनाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के, जिन मोहनदास करमचंद गांधी को लोग राष्ट्रपिता भी कह रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपिता कहना उचित हो या होगा या अनुचित ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना विचार
अवश्य ही मैं आप भारतवासियों के सामने रखने का या विश्ववासियों के सामने रखने का अधिकारी हूँ कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी को किसी राष्ट्र का पिता मान लिया जाए तो जब ये धरती पर नहीं आए थे अर्थात जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो क्या हमारे राष्ट्र के लोग अनाथ थे? ये दुर्भाग्य है, इस पर किसी ने चिंतन और विचार नहीं किया, क्योंकि चिंतन और विचार करने के लिए भी जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, जो सर्वोच्च न्यायालय पर हम गरिमा करते हैं, गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, जिसके आदेश का मानना भारतवासियों के लिए सर्वोपरि होता है, लेकिन उसमें भी विघटन तैयार किया गया है इन मत मजहब और धार्मिक कहलाने वालों ने, धार्मिक दुकानदारों ने। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो मुख्य न्यायाधीश है उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, सामने आकर के मीडिया के सामने में उन्होंने उजागर किया है। क्या ये उनकी गरिमा थी? क्या यही गरिमा की बात है? क्या इसे हम गरिमा कहेंगे? क्या इसे हम गरिमा कहना चाहेंगे? क्या वो भारत की मर्यादा की बात नहीं थी? मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं थी? केवल इतना ही नहीं कि उन मुख्य न्यायाधीशों पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने में हमारे राजनेतागण जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, अन्ना किया है, जबकि उसमें कुछ बात थी भी नहीं और कुछ निकल करके भी नहीं आया, मुखी खानी पड़ी। लेकिन ये लोग कितने निर्लज्ज हैं उस पर भी समझदारी इनके पास नहीं है, ना ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये धार्मिक बातों से जुड़ी हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो 3 जजों ने जो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो वक्तव्य दिया पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, उनमें कोई ईसाई थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे, तो ईसाई जब कहा जाएगा तो ये जरूरी होगा कि धर्म के नाम से जोड़ा जाएगा। अभी भी यही हुआ है, अभी 3 जजों के बेंच ने जो नक्सलवादी और नक्सलवादियों को समर्थन देने वाले उनको अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ, उन नक्सलवादियों के खिलाफ जो 3 जजों के बेंच ने जो फैसला सुनाया, उन 3 जजों में से एक जज अपना अलग वक्तव्य देने लगे, अलग राय दिया। अब जब बहुमत बहुमत हम चिल्ला रहे हैं, गणतंत्र गणतंत्र चिल्ला रहे हैं, गणतंत्र राज चिल्ला रहे हैं, गणतंत्र राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, तो जो 2 की राय एक तरफ हो उनकी मानी जाए या 1 की राय को मानी जाए, फिर भी ये सेकुलरवादी कहलाने वाले और ना मालूम क्या क्या कहलाने वाले हमारे राजनेता अगर उछल रहे हैं। इसमें कुछ वकील, जाने माने वकील भी हैं, और वो वकील के पास ऐसा ही केस रहता है, ये प्रशांत भूषण जिनका नाम है, कपिल सिब्बल जिनका नाम है, ऐसे वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ऐसे ही केस वो लोग लेते हैं, ऐसे ही केस में ज़्यादा पैसा मिलता है उन्हें, वो पैसों के लिए ही वकालत करते हैं, मानवता को ताक पर उठाकर। तभी तो मानवता की हत्या हुई कि रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर कोर्ट खुलवाना, क्या ये मानवता विरोधी नहीं था? लेकिन इस पर किसी ने बोला नहीं, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि न्याय अन्याय को हमने जानने का प्रयास नहीं किया। तो मैंने निवेदन किया कि जब 2 जजों ने अपना राय दिया एक प्रकार का और एक जज उसमें से अलग होकर के अपना अलग राय दे रहे हैं, तो उन जज को क्या मुख्य न्यायाधीश के टीम में लेनी चाहिए? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि हमें पाठ ही गलत पढ़ाया गया, हमें सही को गलत, गलत को सही,
अब मोहनदास करमचंद गांधी को राजपिता कह दिया, लाल बहादुर शास्त्री का जयंती लोग भूल गए। मोहनदास करमचंद गांधी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहा, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आज तक किसी मुसलमान ने कहकर नहीं सुनाया, बोल करके नहीं दिखाया। ये पाठ सरासर गलत है। ईश्वर अल्लाह दो नाम एक नहीं था, ना है और ना होना संभव है, दोनों नाम अलग है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब बेतुकी बातें हैं जो हमें असत को सत कह के पाठ पढ़ाया गया। उदाहरण, जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से रोका, ऐसे अर्जुन को हमने क्या बोला? केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के कुल वधु को जुआ के बाजी में लगाया, घर के संपत्ति को भी हारा, उसको हमने धर्मराज कहा, जबकि जुआ खेलना पाप है आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का उपदेश है कि खेती कर जुआ मत खेल। हमारे इस राष्ट्र के राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमारे देश में कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है। जिस देश में जुआरी शराबी व्यभिचारी चोर तक नहीं, उस देश के उसी देश में एक जुआरी को धर्मराज कह के क्यों पुकारा गया, कैसे पुकारा गया? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि गौतम बुद्ध को लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं, और महात्मा का परिभाषा क्या है? जिनकी आत्मा महान है, तो आत्मा महान तो जन्म से होता नहीं, आत्मा को दुनिया में महान बनाना पड़ता है। आत्मा को महान बनाने का तौर तरीका हमारे ऋषि मुनियों क्या बोला? यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को अपनाए बिना कोई अपनी आत्मा को महान नहीं बना सकता। ऋषि दयानंद ने इसमें लिखा है आत्मा का सर्वांगीण विकास। विकास करना यह महान आत्मा का काम है। आत्मा का सर्वांगीण विकास किस आधार पर किया जाएगा? यम नियमों के द्वारा। लेकिन यम नियम को तो लोगों ने ताक पर रख दिया है, केवल आसन दिखा रहे हैं, आसन बतला रहे हैं, उसको योग कहा जा रहा है आदि आदि, ये सब हो रहा है। तो जिनकी आत्मा महान है वो महान आत्मा है, लेकिन गौतम बुद्ध ने तो ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा, वेद को भी नहीं माना। और मनु महाराज लिखते हैं नास्तिक को वेद निंदका, वेद निंदक है वो नास्तिक है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को दुनिया वालों ने महान कह दिया, महात्मा कह दिया आदि आदि। इस प्रकार का पाठ हर जगह पढ़ाया गया है। उदाहरण के रूप में आज गांधी जयंती के दिन मैं आप लोगों को याद दिलाते हुए कहूँगा कि मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कहा जाता है वह अहिंसावादी थे, और उनका अहिंसा क्या है? अहिंसा के लिए उन्होंने कहा कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? कि गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए। मैं अहिंसावादी हूं, गाय का दूध मैं नहीं पीऊंगा, उस बछड़े के साथ हिंसा हो जाएगा। बछड़े का दूध नहीं पिया, लेकिन उन्होंने दूध किसका पिया? बकरी का। तो क्या बकरी बच्चा नहीं देती? हाँ, बकरी बच्चा देती है। गाय तो एक बच्चा देती है, पर बकरी 2-3-4 बच्चा देती है। एक का हक तो नहीं मारा, पर 4 का मार दिया, फिर भी राष्ट्रपिता कहलाए। ये तमाशा नहीं तो और क्या है? सत पर पर्दा डाला नहीं गया तो और क्या है? सत पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं किया तो और क्या है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक गाय के बछड़े के अधिकार तो नहीं मारा, हक को नहीं मारा, लेकिन 4 बकरी के बच्चे के हक को मार दिया, फिर भी अहिंसावादी। तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सब धर्म पर आधारित है। इसलिए आज इस 2 अक्टूबर के दिन मैं एक श्रृंखला आप लोगों के सामने चालू करने जा रहा हूं कि मानव जीवन की श्रेष्ठ कला है धर्म। मानव जीवन की श्रेष्ठ कला क्या है? धर्म है। लेकिन आज संपूर्ण विश्व के आंगन में धर्म के नाम से दुनिया वालों ने बखेड़ा किया हुआ है। मत मजहब को ही दुनिया वालों ने धर्म कह के पुकारा। और रामदेव जी कह रहे हैं इस बात को कि वेद का 1/4 हिस्सा में से एक हिस्सा कुरान और बाइबल में नहीं है, मजहबी ग्रंथ में नहीं है,
लेकिन फिर भी वो उनको अच्छा मान रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पर मैं ये श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे इस श्रृंखला का नाम है मानव जीवन की श्रेष्ठ कला है धर्म। क्यों? कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, कौम विशेष के लिए, मुल्क वालों के लिए धर्म अलग अलग नहीं हुआ करता। धर्म मनुष्य मात्र का एक है। जैसा सूरज का प्रकाश प्राणी मात्र के लिए है, तो धर्म मनुष्य मात्र के लिए है। सूरज अपने प्रकाश देने में, गर्मी और उष्णता को देने में, प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर धर्म के अंदर में भेदभाव हो, हमारा तेरा हो, इनका उनका हो, तो ईश्वर पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। जैसा सूरज प्रकाश देने में, उष्णता देने में, गर्मी देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ईश्वर पदत्त होता है धर्म, और धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए है। लेकिन आज धार्मिक दुकानदारों ने मत मजहब को ही धर्म कहकर दुनिया वालों को वरगराया है, दुनिया के अंदर में विघटन पैदा किया है, अपने खून को खून और दूसरे के खून को पानी समझने का प्रयास किया है, और मानव के खून से धरती को रंगाया जा रहा है, ये सारा काम हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सृष्टिकर्ता ने धरती पर विचरण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब में मानव को एक विशेष मर्यादा दिया है परमात्मा ने, कि वह मानव है, और मानव वह इसलिए भी है कि वो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, गंभीरता, नीर, क्षीर, अकल, इस प्रकार के जितने भी गुणवाचक शब्द हैं, वो सब मनुष्य मात्र के लिए लगे हैं। अन्य किसी प्राणियों के लिए विधाता ने ये नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये मानव को ही मिला है। मानव भी इनके किए कर्मों के अनुसार ही बना है। यानी मानव अगर धरती पर कोई बना, तो वह अपने किए हुए कर्मों के अनुसार बना है, जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार ही मानव योनि को प्राप्त किया है। इसी मानवता के आधार पर हम सब का नाम मानव पड़ा। अब सारे कर्तव्यों का दायित्व मानवों पर आ गया। अगर कोई उन कर्तव्यों का पालन जानबूझकर न करे या पालन न करे, तो वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, मानव नहीं कहला सकता। अगर कोई उन कर्तव्यों का पालन करता है तो वह नहीं करता है, तो वो कदापि मानव नहीं कहला सकता। शास्त्रों में यही बताया गया है कि धर्म को जो छोड़ देता है वो पशु के समान है। अर्थात धर्म का यही आया परिभाषा, आहार निद्रा भय मैथुना जा सामान में तब पशु भी नरणाम, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष और धर्म बिना पशु भी समान। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज मानव मात्र के साथ जुड़ा हुआ है, पशुओं के साथ जुड़ा हुआ है। जो मानव इस धर्म पर आचरण करता है वो मानव कहलाता है, और जो धर्म को छोड़ता है वो पशु के समान है। इसके बाद स्पष्ट इससे बात स्पष्ट ये हो गई कि मानव मात्र के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। जो मानव धर्म को छोड़ देता है वो प्राणी को स्वभाव प्राप्त नहीं कर सकता, यानी वो मानव स्वभाव को प्राप्त नहीं करता तो धर्म को छोड़ देता है। धर्म एक ही है जो मानव मात्र के लिए है, और मत पंथ संप्रदाय अनेक हैं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मतपन चलाया होता है, मतपन को धर्म नहीं कहा जा सकता और ना कहा जाना चाहिए। कारण मत पंथ व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया हुआ है, और धर्म ईश्वर प्रदत्त हुआ है, ईश्वर प्रदत्त है। धर्म उसी के बनाए हुए ब्रह्मांड के मानव मात्र के लिए है, या आकाश पाताल धरती सागर सूरज चांद सितारा ग्रह उपग्रह रात दिन जो कुछ भी है, सब उसी के ही परमात्मा के ही बनाए हुए हैं और सब के लिए ही बनाए हैं। परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया, परमात्मा समान रूप से सबको समान बराबर दिया है। किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, किसी मुल्क वालों के लिए परमात्मा ने धर्म को नहीं बनाया। अगर ये भी किसी व्यक्ति विशेष के बनाए हुए होते तो उसमें भी भेद होता, वो अपने लिए करते औरों के लिए नहीं करते। इससे बात ये भी पता लग रहा है कि परमात्मा ने मानव मात्र को मानव मात्र के लिए धर्म को बनाया है, तो उसी धर्म को मानव कहां से जान पाएगा?
कि वही जानकारी जहाँ दी गई है उसी का ही नाम वेद है। वेद के माने पुस्तक मत समझना, वेद के माने है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। यथे मम वाचम कल्याणी मां बदानी जनभ्या, वो कल्याणी माने मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कितना है कि मानव मात्र को जितना चाहिए। कब से है? आदि सृष्टि से है। किस भाषा में है? मानव मात्र की भाषा में है। अब धरती पर मानव जब आया उसे धरती पर चलने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना चलना संभव नहीं होगा। इसलिए विधाता ने मानव मात्र को ज्ञान सबसे पहले दिया, जिसका नाम वेद है। वेद को ज्ञान के रूप में जाना गया है। विद जाने विद विचारे विद सत्ताया विद राग, ये सब वेद कहते थे। तो जो मानव बनने के साथ साथ परमात्मा ने आदेश और निषेध दोनों उपदेश ऋषियों के माध्यम से मानव मात्र को दिया है।